मेरे YouTube चैनल पूनम चार रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुपर स्पॉन्जी वनीला स्पंज केक, वो भी बिना कंडेंस मिल्क के, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इस केक को आप टी टाइम में सर्व कर सकते हैं या फिर इस केक से आप बर्थडे केक बना सकते हैं। इसमें व्हिप क्रीम से डेकोरेट करके ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बनाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी को सबसे पहले देखने के लिए बेल को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वनीला स्पंज केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े से बाउल में बटर लेंगे। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम बटर लिया है, ये मेल्टेड बटर है। साथ ही हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, जो कि मैं एक कप भर के ले रही हूँ। इसको हम छानेंगे, छाने से जो भी पाउडर शुगर में दाने होते हैं वो छन जाते हैं। तो इस तरीके से हम पाउडर शुगर को छान लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल। इसे डालने से केक अच्छा मॉइस्चर में बनता है, तो इसको डालना ज़रूरी है। तो एक विस्कर की हेल्प से हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे, अच्छा क्रीमी होने तक। करीब 2 मिनट हुआ है और ये अच्छे से क्रीमी हो गया है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 5 अंडे लिए हैं। अब हम इन अंडों को फोड़ के, जो इसमें वाइट और येलो पार्ट होता है, उन दोनों को अलग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने जो व्हाइट वाला पार्ट है उसे अलग कर लिया है और येलो वाले पार्ट को अलग कर लिया है। तो अब येलो वाले पार्ट को हम ये जो बैटर तैयार किया है इसके अंदर डाल देंगे, और एक इलेक्ट्रिकल बीटर से हमें बीट करना है करीब 1 मिनट के लिए हाई स्पीड में। आप इस प्रोसेस को हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं। करीब 1 मिनट हो चुका है और बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो यहाँ मैं 1 कप भर के मैदा ले रही हूँ, इसको भी हम छान के लेंगे। तो इस तरीके से हम मैदे को अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ हमने मैदे को अच्छे से छान लिया है, और अब हम एक स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड से मैदे को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, तो शुरू में हम 1/2 कप डालेंगे, और ये रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध है। कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने इसको दूध को भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे साइड में, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट था अंडे का, इसको हम बीट करेंगे अच्छे से, जब तक कि ये अच्छे से फ्लफी और झाग ना हो जाए। तो करीब 3 से 4 मिनट तक हम करेंगे। तो करीब 4 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं अच्छे से ये बन चुका है। तो अब ये जो बैटर हमने बनाया है अंडे का, इसको हम इसी के साथ ही मिक्स करेंगे, और कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसको भी हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाएंगे, बहुत ही आराम से करेंगे। यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और केक का बैटर बनके तैयार है। तो अब एक केक मोल्ड को हम मैदे की डस्टिंग से पहले से ही तैयार रखेंगे। तो यहाँ मैंने पहले से तैयार कर लिया है। साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक कुकर को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो इस केक मोल्ड में जो बैटर हमने तैयार किया है वो डाल देंगे, और एक स्पैचुला की हेल्प से ऊपर की सरफेस को फ्लैट करेंगे, जिससे कि केक जो है वो अच्छे से बनेगा। अब हम इसको टैप करेंगे 3 से 4 बार, जिससे कि जो भी बैटर में एयर बबल है वो निकल जाएगी। अब यहाँ कुकर अच्छे से हीट हो चुका है, तो अब ये केक वाला जो मोल्ड है इसको हम कुकर के अंदर ही रखेंगे, और एक बड़े से बर्तन से ढक देंगे। अब हम केक को 45 मिनट्स के लिए पकाएंगे। शुरू में 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, उसके बाद 40 मिनट्स के लिए लो कर देंगे। मिनट्स हो चुके हैं, तो गैस को बंद कर देंगे, और जो हमने ढक्कन रखा है इसको हटा के केक देखेंगे हमारा केक कैसा बना है। तो यहाँ हमने केक को देखा है, देखिए कितना अच्छा बना है, ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। तो एक नाइफ को अंदर एंटर करके चेक करेंगे हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। देखिए नाइफ एकदम क्लीन आया है, इसका मतलब है केक अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम इसको 5 मिनट ऐसे ही कुकर में ही छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको ठंडा करने के लिए बाहर निकाल देंगे। करीब 20 मिनट हो चुके हैं, केक अच्छे से ठंडा हो चुका है।
तो अब हम इसको केक मोल्ड से बाहर निकालेंगे केक को। तो एक नाइफ की हेल्प से पहले हम इसके किनारों को लूज करेंगे जिससे कि केक आराम से निकल जाएगा बाहर इस तरीके से। अब हम एक प्लेट को ऊपर रखेंगे और उसको पलट देंगे जिससे केक आराम से बाहर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है, देखिए। तो अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ और एक नाइफ से काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आराम से कट रहा है। आप देख सकते हैं सुपर स्पॉन्ज केक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ उठा के, देखिए दबा के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है और हमने बिना कंडेंस मिल्क के बनाया है। तो अब हम इसमें हल्की सी पाउडर शुगर से डस्टिंग करेंगे। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको करना हो तो आप करें, इससे करने से अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो हमारा सुपर स्पॉन्जी केक बन करके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको एक दिखाती हूँ काट के भी। तो ये देखिए, ये एक मैं फॉक से काट के दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनाए, देखिए कितने आराम से कट रहा है। तो मैं इसको एक खा के भी दिखाती हूँ आपको कि कैसा बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड्स, बिलीव मी। सॉफ्ट स्पंज केक हमारा बनकर के तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इस केक को टी टाइम में भी खा सकते हैं या फिर इस केक को आप व्हिप क्रीम से डेकोरेट करके बर्थडे केक भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ।